मेरा नाम लिया, अच्छी बात है तुमको मेरा नाम तो याद आने लग गया। खड़ा हूँ आपके सामने, कोई एक रुपए की गड़बड़ आरोप मेरे पे, मेरे संगठन पे, मेरे डिपार्टमेंट पे लगा हो तो कांग्रेस की चिंता में हर रोज चिंता पैदा हो रही है। तभी तो दो बुलाए हैं, मेन चोर तो बाहर है। कांग्रेस का चिंतन शिविर है, विवेक बंसल को नहीं बुलाया गया, ये भी चिंता है। कांग्रेस की चिंता में हर रोज चिंता पैदा हो रही है। जो पार्टी सीबीआई और ईडी को निष्पक्ष एजेंसी कहती थी आज से 7-8 साल पहले, आज वो इसको सरकार की भेदी एजेंसी कहने लगी। और इन्वेस्टिगेशन में कोई अरेस्ट ही नहीं हुआ अभी तक, तो सिर्फ पूछताछ चल रही है। उसके विरुद्ध भी सारे अपने चीफ मिनिस्टर, एमपी, एमएलए को दिल्ली बैठा रखा है। ये घबराहट दिखाती है चोरों के मन। अगर चोरी नहीं करी तो फिर डरने का कोई उद्देश्य नहीं बनता। मगर अभी तो दो बुलाए हैं, मेन चोर तो बाहर है, और थोड़े दिन रुक जाओ। इस पूरे मामले का एसोसिएट जनरल लिमिटेड का जो मास्टरमाइंड है उसको जिस दिन बुलाएंगे तो आपको असर हरियाणा में होगा। ठेके को लेकर के काफी विरोध हो रहा है, लिफ्ट बताया उन्होंने सीधा कार्यकर्ता हमला किया कि कहीं ना कहीं मेरा नाम लिया, अच्छी बात है उनको मेरा नाम तो याद आने लग गया। पीछे तो जितने आरोप लगाए उनने, मैंने एक एक का जवाब दिया। अगर मैं कल कह दूं आप भ्रष्ट हो तो आप क्या करोगे? आप सबूत मांगोगे? मैं तो आपसे मांग लेता हूं, खड़ा हूं आपके सामने, कोई एक रुपए की गड़बड़ आरोप मेरे पे, मेरे संगठन पे, मेरे डिपार्टमेंट पे लगाओ तो बता। अगर किसी ने गलती करी तो दुष्यंत चौटाला ने उसको पकड़ा, उसके सख्त खिलाफ कार्रवाई करी, सस्पेंड किया, एफआईआर कराई। ना करी हो तो बताओ। गुड़गांव में सबसे पहले रेवेन्यू में जो लोग फंसे थे उनके खिलाफ हमने कार्रवाई करी, छोड़ा नहीं। और आने वाले समय में भी डिजिटलाइजेशन का फायदा लेकर जो ये गड़बड़ियाँ थी इसको रोक रहा। दर्द तो जरूर उन लोगों को होता है जिनकी दो नंबर की कॉलोनियां बनती थी वो रुकी, जिनकी दो नंबर की शराब बिका करती थी रुकी। और आज के दिन ये प्रोविजन हरियाणा को छोड़ के किसी स्टेट में नहीं है कि अगर कोई दो नंबर की शराब बेचता हुआ पकड़ा गया है तो जिस डिस्टिलरी या बॉटलिंग प्लांट से वो शराब निकली है उसके मालिक तक के ऊपर 120B में FIR होती है। और मैं चैलेंज देता हूँ कांग्रेस को भी और प्रदेशों के भी मिनिस्टर को। कांग्रेस का चिंतन शिविर है, विवेक बंसल को नहीं बुलाया गया, ये भी चिंता है। कांग्रेस की चिंता में हर रोज चिंता पैदा हो रही है। जो पार्टी सीबीआई और ईडी को निष्पक्ष एजेंसी कहती थी आज से 7-8 साल पहले, आज वो इसको